हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मीत ग्रह निंजा के एकदम न्यू वीडियो में। तो आज किस वीडियो में गाइस, हम अपने साउल गार्डियन अल्ट्रा इस नए गेम में अपनी टीम बनाएंगे, पोकेमोन टीम। जो कि गाइस मेरे पास अभी तो ये तीन ही पोकेमोन है, ये पिकाचू है और ये एरोडैक्टिल है। ये कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेनिफिट में मुझे गाइस यहाँ पर लॉग इन डेज में मिला है, मुझे 2 दिन मेरे कम्प्लीट हो गए तो मुझे एरोडैक्टिल मिल गया था। और day 3 भी आज कम्प्लीट हो गया है, तो यहाँ पर ये मुझे फ्लाई वाला टैग मिला है। और ये पहले दिन तो गाइस मुझे ये रॉड मिला था, ये फिशिंग रॉड है गाइस, तो इससे हम गाइस पोकेमोन पकड़ सकते हैं फिशिंग रॉड से। चलो वो भी आज करते हैं, कैसे हम पकड़ सकते हैं फिशिंग रॉड से पोकेमोन। और थोड़ा बहुत गाइस एडवेंचर भी कम्प्लीट करेंगे, तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। बट जो भी यहाँ पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो सभी लोग। चलते हैं गाइस पहले फिशिंग रॉड को यूज़ करने, क्योंकि मैं तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अरे भाई इसके पास, ये देखो इस बंदे के पास साइकिल है, ये कैसे मिली उसको? मुझे भी मिल सकती है बट पता नहीं यार यहाँ पर से, ये देखो। बट मेरे पास अभी ये साइकिल नहीं है, यहाँ पर नो दिखा रहा है, नो बाइक अभी मेरे पास नहीं है, बट आ जाएगी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गाइस यूज़ करके देखते हैं ये फिशिंग रॉड। यहाँ पर मैं गाइस इस पानी के पास खड़ा हो गया और यहाँ पर ये देखो फिशिंग रॉड का आ गया ऑप्शन, और साथ में यहाँ पर भी 3 पोकेमोन आ गए। सो लगता है गाइस इस पानी में हमें 3 पोकेमोन ही मिल सकते हैं। चलो भाई इसको ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। ओके, जब वहाँ पर वो खींचने का है तभी हमें जल्दी से क्लिक कर देना है। ओके, अभी गाइस ये क्रैबी है, मुझे लगा कि किंगलर है। ओके, बट मुझे नहीं पकड़ना गाइस, तो वो पोकेमोन गाइस मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पकड़ रहा। बाकी गाइस मुझे तो चाहिए फ्रोकी। यहाँ पर गाइस हम इसमें चलते हैं रिसर्च में। इसमें गाइस मैं आपको बताता हूँ, इसमें गाइस बहुत सारे जनरेशन के पोकेमोन्स हैं, जनरेशन 1 के, जनरेशन 2 के। यहाँ पर ये देखो, ये जनरेशन 2 का पोकेमोन है चिकोरिटा, और ये सिंडेक्विल, और ये टोटोडाइल, और गाइस ये जनरेशन 5 के हैं ये पोकेमोन विक्टिनी, और ये स्नाइवी, और गाइस ये टैपिग, और गाइस जनरेशन 6 में है ये फ्रोकी। ये देखो भाई ये रहा फ्रोकी, इसमें शाइनी भी है गाइस, ये देखो ये शाइनी पोकेमोन है, ये फ्रोकी शाइनी है। और इसमें गाइस ये देखो ये ग्रेनिंजा है, और ये शाइनी फॉर्म है इसका, बहुत ही अच्छा है। और गाइस ये एश ग्रेनिंजा भी बन सकता है, तो ये ऐसा दिखेगा, और मेगा एश ग्रेनिंजा, तो ये थोड़ा गाइस ऐसा ग्लो करेगा उसके पीछे जो श्रिंकन लगा है उसमें। और गाइस ये मेगा ग्रेनिंजा है, लास्ट में ये ऐसा बन जाता है। वैसे यही अच्छा लग रहा था मुझे तो, मेगा एश ग्रेनिंजा, देखो भाई यही अच्छा लग रहा है, वो सिंपल सा ही लग रहा है। ये देखो ये, और ये बस ग्लो कर रहा है ये। बाकी गाइस ये देखो ये शाइनी में बहुत ही मस्त दिखता है, तो इसमें गाइस सभी पोकेमोन शाइनी मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी गाइस ये सारी चीज़ें अभी लॉक है, ये TM अभी अनलॉक हुआ है, ये हेल्ड एटम, ये एबिलिटी कैप्स्यूल रिफाइन रन ये भी नहीं अनलॉक हुआ। तो मुझे गाइस अभी चाहिए ग्रास टाइप का पोकेमोन, इलेक्ट्रिक टाइप है मेरे पास, फायर टाइप का है और फ्लाइंग टाइप का है। अभी ग्रास टाइप का चाहिए और वाटर टाइप का चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कोटल मिल जाए या फिर बल्बासोर मिल जाए तो अच्छी बात है। सभी मैं गाइस इस पैलेट टाउन का एडवेंचर कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस जगह पर इस बच्चे से मिल रहा हूँ, और शायद इस बच्चे से हमें बैटल करनी है। ओके, ये कौन सा पोकेमोन है? ये रेल्ट्स साइकिक टाइप का गाइस है। ओके, इसको एम्बर देते हैं। ओके गाइस क्रिटिकल हिट पड़ा, 3 स्टार मिले, और बहुत सारी चीज़ें गाइस मुझे मिली। अभी गाइस मुझे बेनिफिट में जाने, और भाई कब से ले लिया ये तो फिशिंग रॉड, अभी बता रहे हैं। अभी हमें गाइस जाना है प्रोफेसर ओक के पास, इनसे मिलना है हमें। फिर से हमें देंगे क्या पोकेमोन? नहीं भाई फिर से पोकेमोन तो नहीं देंगे, बट ये गैचा कुछ दिया इन्होंने, ये गैचा पोकेमोन गैचा कर सकते हैं हम। यहाँ पर फ्री में लिखा है तो कर लेते हैं फ्री में। और गाइस हमें स्क्वाटल मिल गया, ओ भाई बहुत अच्छे।
सो यहाँ पर गाइस मैं इसका लेवल बढ़ा देता हूँ। ओके थैंक यू प्रोफेसर ओक पोर्टल देने के लिए। और ये पोकेमोन सेंटर लगता है शायद। अरे हाँ भाई ये पोकेमोन सेंटर ही है, ये देखो बहुत अच्छे भाई। यहाँ का भी गाइस टास्क पूरा हो गया, अभी हमें बाहर जाना है और कहीं पर हमें जाना है, हमें जाना है टेक मेयर ट्रेल। ओके इस मेयर के साथ बात करनी है। ओके मेयर ने भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे दिए सभी गाइस, हमें इसके साथ बैटल करना है। चलो कंप्लीट करते हैं बैटल। सभी गाइस हमें फिर से मेयर से बात करनी है। ओके अभी मेयर ने गाइस हमें दिया ये सोशल, इसमें गाइस हमें इनवाइट फ्रेंड्स कर सकते हैं। वाह भाई ये बहुत अच्छा दिया। अभी हमें प्रोफेसर रॉक से फिर से बात करनी है। सो यहाँ पर गाइस प्रोफेसर रॉक तो चले गए और देते गए हमें बहुत सारे रिवॉर्ड। फॉलो प्रोफेसर रॉक हमें करना है, उनके पीछे जाना है। ओके प्रोफेसर रॉक यहाँ पर हमें क्या टास्क देने वाले भाई, पता नहीं कहाँ पर चले गए। सो अभी गाइस यहाँ पर लिखा है टॉक टू सस्पिशियस पीपल, तो सस्पिशियस के साथ बात करनी है। तो कहाँ पर है भाई? ओके ये रहा, इसके साथ बात करनी है और हमें ये बैटल में ले गया। ओके चलो बैटल करते हैं। यहाँ पर हमें गाइस बता रहे हैं कि हम ऑटो बैटल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक गाइस ये बैटल करता रहेगा, बट मुझे नहीं करवानी ऑटोमेटिक बैटल। तो फाइनली गाइस ख़त्म हो गई ये बैटल, अभी चलते हैं बाहर। और यहाँ पर हमें बहुत सारे रिवॉर्ड मिल गए। और गाइस लगता है ये चार्मेंडर ने एक नया अटैक सीख लिया। हाँ भाई ये देखो ये स्मोक स्क्रीन इसने सीख लिया। तो इसको गाइस मैं फ्लाई वाला अटैक सिखा देता हूँ, इस ग्राउल में डाल देता हूँ। तो ये वाला अटैक गाइस मैंने आपको दिखाया था, वो मुझे डेली लॉगिन में मिला था ये फ्लाई वाला अटैक, मैंने इसको सिखा दिया चार्मेंडर को। अभी हमें कहाँ पर जाना है? ओ भाई प्रोफेसर ओक से मिलने। प्रोफेसर ओक ने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी और हमें कंप्यूटर में अभी जाना है। कंप्यूटर में जाने के बाद क्या करना है हमें? सो अगर गाइस हमें कोई पोकेमोन नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर रख सकते हैं स्टोरेज में। सो फिर यहाँ पर हमें गाइस ये देखो नहीं मिलेगा इस एरे में, वो स्टोरेज में चला जाएगा, बट मुझे चाहिए भाई। सो यहाँ पर लाइनअप में डाल देते हैं। ओके अभी इसके साथ गाइस बैटल करनी है। ओके गाइस बहुत सारी चीज़ें मिल गई इसके साथ बैटल करने पर। और अभी हमें गाइस यहाँ पर क्वेस्ट मिले, ये देखो अब हम क्वेस्ट भी पूरे कर सकते हैं, डेली क्वेस्ट जो बहुत सी गेम में आते हैं, मोस्ट ऑन अ फाइट में भी आते हैं ये क्वेस्ट, बट इसमें गाइस टास्क अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मुझे परचेज एनर्जी करनी है वन टाइम, ये रही भाई एनर्जी, परचेज कर लेते हैं, दो बार परचेज कर लेते हैं, इसमें क्या है। इसी तरह से गाइस हमें टास्क कंप्लीट करने और उनके रिवॉर्ड्स क्लेम करने। अभी हमें गाइस मेयर के पास जाना है फिर से। मेयर बहुत ही बार बार बुलाता है और इसने बीच में भाई मुझे बुला लिया बैटल करने के लिए। ओके गाइस इस बच्चे के साथ मैंने बैटल कर लिया, अब फिर से चलते हैं मेयर के पास। हाँ भाई मेयर तो क्या बात है कि मेयर ने बात करके हमें बहुत सारे रिवॉर्ड दे दिए। तो गाइस ये गेम थोड़ा लैग कर रहा है, मेरा 4GB रैम का है फिर भी भाई लैग कर रहा है ये गेम, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। और यहाँ पर गाइस मैंने रैंक अप किया है। सो गाइस रैंक अप करने से ये पावर बढ़ती है पोकेमोन की, यहाँ पर ये देखो पावर बढ़ गई, बहुत अच्छे। ये काफ़ी अच्छा सिखाया है मेयर सर ने, हमें इसके साथ बैटल करना है। बैटल में गाइस स्किप ही करता हूँ, आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि बार बार वही की बैटल दिखा कर बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके गाइस कंप्लीट हो गई बैटल ये भी। सो अभी इसके साथ बात भी कर लिए, बात करनी थी बैटल करने पर, और बहुत सारे रिवॉर्ड दे दिए भाई। और ये गाइस मैग्मा टीम है, ओ भाई ये मैग्मा है भाई ये, इसके साथ बैटल करनी है। ओके गाइस हमें ये सारे रिवॉर्ड मिले, अभी चलते हैं हम कंसल्ट द रेंजर, इसके साथ हमें मिलने। ओ भाई वहाँ पर लूगिया है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो रहा गाइस लूगिया, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं अच्छी तरह से अब दिखेगा आपको। भाई वहाँ पर लूगिया किए हुए वहाँ पर क्यों भी है उसके पीछे। सो फिर से गाइस हमें इस टीम मैग्मा मेंबर के साथ बैटल करनी है। ओके हमें अभी फिर से भाई मेयर को बहुत ही काम है हमसे। ओके गाइस मेयर से बात कर ली और मेयर अभी हमें इन्वेंट्री में ले जा रहे हैं। और ये पता नहीं है आगे ये लक की है गाइस।
तो यहाँ पर हेल्ड आइटम में जाना है। ओके, चार्मेंडर में क्लिक करना है। सभी गाइस हमें प्रोफेसर ओक के साथ कंसल्ट करना है। यहाँ पर लिखा है कंसल्ट प्रोफेसर ओक, तो प्रोफेसर ओक के साथ भी गाइस हमने बात कर ली। अभी हमें फाइंड कैसी उसको ढूंढना है। अरे भाई, इसके साथ बैटल करनी है क्या? हाँ भाई, बैटल ही करनी। इसके पास हमेशा भाई बल्बासोर ही होते हैं। चलो भाई, खत्म बैटल। सो भी गाइस, इसने मुझे बल्बासोर दिया है। ओ भाई, ये देखो। अरे भाई, बैटल करने पर इसने बल्बासोर ही दे दिया अपना। ओके गाइस, अभी ये बल्बासोर ने सीखा है स्लीप पाउडर, तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उस ग्राउंड में। और ये वाइन व्हिप भी इसने सीख लिया है। वाइन व्हिप गाइस किस में डाले? पॉइजन पाउडर में डाल देते हैं। ली सीड काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसको HP मिलता है। सो इसको भी गाइस मैं रैंक अप कर लेता हूँ। पहले इक्यू पॉल कर लेते हैं। ओके गाइस, अभी हम कहीं पर जा रहे हैं लगता है। गाइस अब हम नए टाउन जा रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं ये डाउनलोड हो रहा है गेम थोड़ा सा। 0.00 KB, वाह भाई कितना अच्छा डाउनलोड हो रहा है। कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा फिर भी वहाँ पर दिखा रहे हैं 0.00 KB। ओके गाइस, यहाँ पर ये देखो गाइस, हम पहले टाउन के वाइल्ड एरिया में आ गए। अब हम पहले टाउन में नहीं है, अब हम उसके वाइल्ड एरिया में। इसमें गाइस कौन से पोकेमोन मिलते हैं देख लेते हैं। वो भाई यहाँ पर फ्लैच विंग मिलता है, टेलो, ये पीडो, स्टारली, बहुत अच्छे मिल रहे हैं गाइस। यहाँ पर हम गाइस इस गो में क्लिक करेंगे तो ये हमें वहाँ पर ही ले जाएगा जहाँ पर ये पोकेमोन मिले। बट ये बीच में ये बंदे भाई, बीच में ये बंदे मुझे चैलेंज के लिए ले जाते हैं बैटल करने। ये भी बंदा यहाँ पर ही खड़ा है चैलेंज देने के लिए मुझे। और यहाँ पर गाइस ये देखो, एडवेंचर का कुछ ये अनलॉक हो गया। DNMX एडवेंचर, यहाँ पर गाइस सारे एडवेंचर आ गए। और गाइस यहाँ पर ये देखो, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये आइडल रेंजर, एक्सपेडिशन, ट्रेल कैप्टन, सफारी जोन। बट हमारा ट्रेनर लेवल इतना होना चाहिए 28, 35, 38। यहाँ पर गाइस मैं ऑनलाइन गिफ्ट भी परचेस कर लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। हमने अपनी पोकेमोन की टीम बना ली है, वैसे तो बस एक ही पोकेमोन यहाँ पर चाहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।